अभी हम लोग सरदारपुरा सी रोड पर हैं, तो हम लोग बी रोड पर जाने वाले हैं क्योंकि हमारी जो शॉप है जिसपे हम लोग परचेज करने वाले हैं वो बी रोड पर है। तो आज दिन भर जो हमने भागदौड़ की थी उसका रिजल्ट ये है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त आरती यादव और एक बार फिर से स्वागत करती हूं एक नए व्लॉग में। आज मैं कराने वाली हूं आपको जोधपुर के एक फेमस मार्केट सरदारपुरा की सैर, क्योंकि मेरा जो मेकअप का सामान था वो पूरा खत्म हो चुका है लॉकडाउन के अंदर। तो आज मैं जाने वाली हूँ मेकअप का सामान खरीदने के लिए, और उसके लिए मैं लेने वाली हूँ मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड की हेल्प। वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन एंकर है और वो खुद का मेकअप खुद करती है, तो उसको मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, तो मैं उसकी हेल्प लेने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हिमानी के घर पे और हिमानी अब बाहर निकलने वाली है और मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड हिमानी से। ये हिमानी का घर है, तो अब मैं हिमानी को आवाज लगाने वाली हूँ और देखते हैं वो भी रेडी हुई है। हिमानी, हाय। चले, ये हिमानी है और मैं इन्हीं की हेल्प लेने वाली हूँ मेरे सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेने के लिए। मैं बताऊँ आपको कि मुझे क्या क्या लेना है ना। फाउंडेशन, एक लूज पाउडर लेना है, लाइनर लेना है और हाइलाइटर लेना है, नेल पेंट लेनी है, कॉलर लेना है, फेस रेजर लेनी है। आजकल ना एक और ब्लश भी आता है जो कि हाइलाइटर के साथ मिक्स होता है, अच्छा। तो है ना, उसको अपन एज ए ब्लश और उसको आई शेडो दोनों के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो ले लेंगे अगर वो मिला तो। मिस क्लेयर का भी आता है और एक और कंपनी उसका आता है, अपन चाहे तो वो वाला ले सकते हैं। ठीक है, अपन देख लेंगे वहाँ पे जो भी मिलेगा अपने पास। एक पल दो पार हो जाएंगे। हाँ सही है। और ये फाउंडेशन वगैरह फिर फिटमी का, मेबेलिन फिटमी बेस्ट है, बस अपनी शेड मिल जाए क्योंकि उसमें शेड रेंज भी अच्छी है, 22-23 शेड होता है। और लूज पाउडर भी फिटमी का ही अच्छा रहेगा क्योंकि शेड आसपास की मिलते जुलते मिलेगी। जैसे मेरा 230 बेज है, तो मैंने सेम शेड का वो लिया है पाउडर, ब्लेंड अच्छे से होता है दोनों कलर आपस में, वरना कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता फिर बड़ी दिक्कत रहता है। मनीष वाले के पास ये मैनिक्योर पेडिक्योर वाले जो सामान है वो अच्छा है, और अजंता वाले के पास मेकअप के अच्छे हैं जहाँ तक मैंने देखा है। जैसे कि ये ब्यूटी ब्लेंडर कम रेट में आपको अच्छा मिल जाएगा जो कि अच्छा खासा फूल जाता है, और वो वहाँ पे मिल जाएगा अजंता में। ठीक है, तो पहले अपन अजंता ही चल लेते हैं, है ना। सरदारपुरा आइए बेटा। अभी हम लोग सरदारपुरा सी रोड पर हैं, तो हम लोग बी रोड पर जाने वाले हैं क्योंकि हमारी जो शॉप है जिसपे हम लोग परचेज करने वाले हैं वो बी रोड पर है। तो अभी सी रोड पर चल रहे हैं, फिर बी रोड पर जाएंगे। खरीदने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं।
सैनिटाइजर और मास्क दोनों। तो मैंने इसमें ये वाला शेड अपने लिए देखा है और अब मैं लेने वाली हूँ पाउडर। मैम आप पाउडर भी मुझे इसी सेम आप रिकमेंड करिए। पैकेजिंग हो गई है यहाँ से तो ठीक है। एक तो फाउंडेशन लिया है, ब्लश लिया है, फेस रेजर लिए हैं, दोनों ब्रशेज लिए हैं, स्पंज लिया है, नेल शेपर, पॉन्ड्स लाइट जेल क्रीम हस्बैंड के लिए, ये इनके बालों के लिए, ये मेरे स्ट्रेट बालों का रास है। ये ब्लैकेट निकालने के लिए, ये माइसेलर वाटर मेकअप उतारने के लिए, कुछ नेल पेंट्स हो गए यहाँ पे, एलेटिंग के लिए जो ये लिपस्टिक का शेड आपको दिखाया था वही है, और ये फेस वॉश लिया है विटामिन सी का, विटामिन सी फुल भर गया है। बिल देखते हैं कितना बनता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक में कम मिलता है, यहाँ पे परफ्यूम, शैम्पू, कंडीशनर, लेग पेड और फेसेस कनाडा, और यहाँ पे देखिए सब कलर बार, मेबेलिन, लॉरियल, लोटस, फेविगम, हर एक ब्रांड का सामान मिलता है, हर एक ब्रांड का। और वहाँ एंड में देखेंगे तो वहाँ पे हमारे फीमेल एसेंशियल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। सरदार शॉप है अजंता नाम से। थैंक यू। परचेज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम। आप अपनी शॉप के बारे में कमेंट कर बोल सकते हैं। आई थिंक मतलब लाइक यू गेट ऑल द ब्रांड्स हियर एंड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स एंड गिफ्ट्स दैट वी ऑफर टू आवर कस्टमर एंड एक्सक्लूसिव सर्विसेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और लिटरली यहाँ पे जो भी चीज़ के एमआरपी होते हैं ना उससे 50-20-100 रुपए कम की ही इन लोगों की एमआरपी होती है, तो आप लोग यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। मनीष के चलेंगे अभी अपन, ठीक है अभी पाउडर रह गया अपना है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। मनीष मनीष के यहाँ से हम लोग दे रहे हैं एक तो सीजर, ये मामा अर्थ का मॉस्किटो बाइट आफ्टर बाइट रोल ऑन, ये मसाज करने के लिए ऑयलिंग करने के बाद मसाज करने के लिए कॉम है, ये फिटमी का पाउडर जो हमको वहाँ से नहीं मिला था वो शेड यहाँ में, ये आईब्रो सीजर, ये टी ट्री ऑयल है अरोमा मैजिक का, फेस सीरम, ये पिगमेंटेशन के लिए है फेस ऑयल, और दो स्टीमर दिए हैं, एक मैंने जूड़ा पिन दिए और ये दो स्टीमर दिए हैं। और भैया बिल बना के देंगे कितना हो गया भैया। तो
मैंने काफी कुछ खरीद लिया है हम लोगों ने, देखो पूरे भर चुके हैं और बिल भी काफी लंबा है। पर सारी काम की चीजें खरीदी है जो हम लोग घर जाके आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं और कितने कितने में हमने परचेज किए हैं वो पूरी है। तो चलिए चलते हैं अफगानी के पास। हाँ बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है अब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, थोड़ा सा जूस वगैरह पी ले, उसके बाद चलेंगे घर और फिर आपको पूरी अनपैकिंग करके दिखाएंगे कि हमने कौन से प्रोडक्ट कितने कितने में खरीदे। हाँ लेट्स गो, चलो चलते हैं पेट पूजा करने। ये मैंने लिया है ब्लैक करंट और इनका कुछ वो शॉप का स्पेशल कुछ था ना कोकोनट। हाँ टॉप क्लास, मुझे ब्लैक करंट अच्छा लगता है। तो आज दिन भर जो हमने भागदौड़ की थी उसका रिजल्ट ये है, हमने इतने सारे सामान ये परचेज किए हैं और अब हम बताने वाले हैं कि कौन सा सामान कितने रुपए का हमने खरीदा है और वहां से हमको कितने डिस्काउंट में वहां से मिला है। ये पहला है वाव का विटामिन सी फेस वॉश, ये हमको मिला है 360 का, ये आता है 399 का और ये हमको मिला है 360 का। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है ये नेल बफर जो कि मैनिक्योर के लिए काम आता है, इसमें चार साइज होती है तो ये है 90 रुपीस का। और उसके बाद है ये ब्लैक हेड रिमूवर जो कि आजकल काफी एसेंशियल हो गया है क्योंकि हमने कोई फेशियल वगैरह लिया नहीं अभी लॉकडाउन में, तो अभी घर पे ही हम लोग स्टीम वगैरह लेके फिर इसको यूज करके अपने ब्लैक हेड अच्छे से निकाल सकते हैं। और ये हमें मिला है 72 रुपीस का। ये है ब्यूटी ब्लेंडर जो हमको मिला है 65 का, ये काफी अच्छा है और काफी रीजनेबल भी है। और सेकंड चीज ये है पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल, ये ऑयल फ्री करने के लिए फेस को, जिनके ऑयल वाला फेस होता है ऑयली फेस होता है उनके लिए काफी अच्छी है। 299 इसकी MRP है और हमको ये मिली है 285 की। और उसके बाद ये वेगा का मैंने फाइलर लिया है जो कि बेसिकली हम बफर से सारा का सारा मैनिक्योर का सीन कर लेंगे, पर वो जो एजेस होते हैं ना जिनको हम शेप नहीं दे पाते उसकी एजेस के लिए ये वाला शार्प पॉइंटी वाला लिया मैंने। ये कुछ ब्रशेस लिए हैं जो हमको पड़े हैं 120 के और इसमें आए हैं 5। इसके अलावा फेस रेजर इसका प्राइस है 50 रुपीज, इसमें 3 रेजर हमको मिली है और ये काफी चलती है। नेक्स्ट है ये हाइलाइटर और इसकी खास बात यह है कि ये हाइलाइटर के साथ में ब्लश का भी काम करेगा, इसलिए ये मल्टीपल पर्पस के लिए काफी अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने ये लिया है और ये हमको पड़ा है 250 का। इसकी MRP है 299 लेकिन ये हमको वहां से पड़ा है 250 का, ये हमने अजंता से लिया था, काफी अच्छे डिस्काउंट मिले हैं। फिर उसके बाद है माइसेलर वाटर जो कि मेकअप रिमूवर है और काफी काम आता है, मेकअप करने वाला है तो उसको रिमूव भी करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एलेटीन की 2 नेल पेंट ली हैं और एक 45 की और एक 50 की, ये भी काफी अच्छे कलर थे, काफी अच्छे कलर लगे थे। नेक्स्ट मैंने ये लिया है एक्सटेंसो का लॉरियल का हेयर मास्क है, काफी अच्छा होता है ये, कंडीशनर से बेटर होता है क्योंकि कंडीशनर में क्या सीन रहता है कि हम लोग अपने इसको रूट्स पे नहीं लगा सकते, इसको हम रूट्स पे भी लगा सकते हैं, तो मेरे शाइनी बालों का यही राज है। हाँ मैं चुराने वाली हूँ ये। ये है अगला मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक, ये मैंने लिया है, मेरे होंठ फटने की काफी प्रॉब्लम होती है इस वजह से मैंने ये, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट की थी कि आप ये यूज करके देखो ये आप वापस से परचेज करने जरूर आओगे, तो मैंने ये लिया है मेरे लिए, ये 320 की है। और ये लिया है मैंने अपना बन बनाने के लिए क्योंकि ज्यादातर टाइम मैं बन बना के रखती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है, इससे बन बनाना मतलब काफी इजी हो जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे क्योंकि हमको अपनी सुंदरता निखारनी है।
मतलब नाइट टाइम में क्या क्या रूटीन करना है, और उसके लिए भी काफी ऐसी चीजें आती है, टी ट्री ऑयल और कुछ ऐसे सीरम वगैरह जो नाइट में यूज करने चाहिए और डे में भी यूज करने चाहिए, उससे आपके स्किन में अंदर से ग्लो आता है। तो उसके लिए भी हमने काफी सारी चीजें ली हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये हबीब का जो मैंने लिया है सीरम, ये आपको पता होगा मामा अर्थ का जो सीरम है जिसका इन्होंने रिव्यू किया था, उससे इसके काफी मिलते जुलते सिमिलर रिजल्ट हैं। होहोबा ऑयल और विटामिन ई है इसके अंदर, और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा है, तो ये काफी अच्छा है। ये मुझे पड़ा है 230 का, आई गेस 230 का। चेहरा चमकाने वाली है ये अपना। और नेक्स्ट है ये पिगमेंटेशन के लिए है ये अरोमा का, और ये हमको पड़ा है 344 का, और इसकी MRP है 405, 405 MRP है, लेकिन ये 344 का पड़ा है, काफी रीजनेबल पड़ गया है ना। काफी वैसे अपन ने काफी डिस्काउंट में ये चीजें ले ली, लेकिन एक चीज बिल तो अपना ही फटा है ना। बहुत बड़ा फटा है, काफी बड़ा बिल फटा है। ये है ना, जो इतनी सी टेबल पे आपको ये सारी चीजें दिख रही है ना, इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हमने, बहुत दुखते हैं। और लॉकडाउन के टाइम में तो क्या हुआ, साथ में आपको फ्री सामान भी तो मिला है। हाँ, नहीं, इस पे भी सामान इस पे आएंगे, वो बहुत अच्छा है, क्यूट सा। ये नेक्स्ट मैंने लिया है फिटमी का फाउंडेशन, और ये मैंने मेरे कलर शेड के अकॉर्डिंग लिया है, और इसका नंबर है 230 नंबर, ठीक है, और ये पड़ा है 460 में, और इसकी प्राइस कितनी थी मनी? 500। 500 इसकी प्राइस है, और ये हमको पड़ा है 450। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है अरोमा मैजिक का पी ट्री ऑयल। बेसिकली स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, जो कि हमारे जो पिगमेंट है या फिर देखने हमारे पिंपल्स हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है। ये एसेंशियल ऑयल है, और ये हमको 500 का पड़ा है, बहुत टाइम तक चलने वाला है। ये है सीजर, और ये आईब्रोज पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो काटने के लिए है, और इसके जो आगे का जो ये कोने है ना, ये बहुत ज्यादा शार्प है, तो अपने बाल इजीली कट जाएंगे इससे, इसलिए हम लोगों ने ये लिया है। ये आपको तो किसी भी शॉप पे मिल जाएगी अच्छे से, और ये हमको पड़ी है 50 रुपए की, और मनीष ब्यूटी से लिया है हमने ये। नेक्स्ट मैंने मेरा जो फाउंडेशन लिया था उसी के शेड का ये 230 नंबर का मैंने लिया है पाउडर, और ये हमको पड़ा है 540 का, और इसकी MRP है 600। नेक्स्ट जो चीज है वो मैंने ली है मामा अर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन, जो कि हमको मॉस्किटो बाइट हो जाते हैं उसके बाद जब बहुत ज्यादा खाज होती है, और उसको मैं इरिटेट कर करके खुद को खून ही निकाल लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये रोल ऑन लिया ताकि उसको लगा के ताकि मुझे खुजली ना आए। काफी अच्छा है, ये मेरा ये सेकंड बॉटल है। और अब आते हैं हम फ्री की चीजों पे, जो कि मेरी शॉपिंग थी उस पे मुझे ये कलर बार का जो नेल पेंट है वो फ्री मिला है, और इनको मिला है, ये बहुत ही क्यूट है। और सीरियसली कि मतलब मैंने इसमें से ये ब्रश खरीद ली थी, उसके बाद में पता चला कि और ये हमको फ्री में मिला है, बहुत ही क्यूट है ये। इसके अंदर इनको ये फाउंडेशन ब्रश और साथ में आई शेडो ब्रशेस मिले हैं, काफी क्यूट है, बहुत क्यूट है ये। और फाइनल चीज जो हमने ली है वो है ये एक स्टीमर है, जो कि हमको आई गेस पड़ा है 175, एक स्टीमर 175 रुपीज का, और इसके रिव्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हाँ, यूज करने के बाद में। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको भी ऐसे मतलब परचेजिंग करने के लिए कहीं पे जाना है, तो मुझे लगता है कि सरदारपुरा में मनीष और अजंता ये काफी अच्छी शॉप है ना, काफी अच्छी शॉप है, आप वहाँ पे जाके डिस्काउंट में चीजें ले सकते हो। पहले से ही उनकी हर एक रेट के अंदर MRP रुपी के अंदर उनके डिस्काउंट दिया होता है, ऐसा नहीं होता कि बाद में रेट बढ़ा के फिर बोलते हैं कि हम 10% का डिस्काउंट करें, तो पहले से उनके हर चीज के अंदर जो मेन MRP है उस पे पहले से डिस्काउंट दिया होता है, काफी अच्छा, और एंड में फिर गिफ्ट तो मिले जाते हैं। हाँ, वो चिक चिक वाली बात नहीं होती कि आपको कम करवाना पड़ेगा, इतने में दे दो भैया, लड़कियों वाली खास आता था इतने में दे दो भैया प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हमारी मस्ती भी पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हिमानी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि दिन भर मेरे साथ घूमने के लिए और मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, थैंक यू, दोबारा भी हेल्प करना।
थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। टैग मी, थैंक यू, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।